हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मा गर्म पालक का पराठा। आपको पता है पालक कितना फ़ायदेमंद होता है? पालक में प्रोटीन आयरन भरपूर मात्रा में होता है। यहाँ पे पराठे को बच्चों को बनाकर खिलाएं, वो बहुत ही मन से इसको खाएंगे और उन्हें वो काफ़ी पसंद आएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पालक लिया है, इसके ऊपर के मैंने डंठल काट दिए हैं और साफ़ कर लिया है और इसको साफ़ पानी में धो लिया है। और मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पालक। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फ्राई करेंगे पालक को हल्का सा। तो उसके लिए मैंने ले लिया एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैं डाल लूँगी तेल। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, तो मैंने कम से कम 2 चम्मच यहाँ पर सरसों का तेल डाला है। अब हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें से धुआं निकलने लगा है, तब मैं इसमें डाल दूंगी हींग। तो मैंने 1/4 चम्मच हींग डाली है। मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ अदरक डाला है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, काट लिया है। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च डाली है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब इसको अच्छे से भुनने देंगे। इसे अच्छे से भुन गया है ये अदरक और मिर्च। तो अब इसमें डाल देंगे पालक, जो मैंने यहाँ पर पालक लिया था ना तो कर, अब हम उसको डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं सारा पालक ऐड कर दूंगी इसमें इस तरीके से। सर्दियों में आपको पालक ज़रूर खाना चाहिए, आयरन प्रोटीन सब होता है पालक में, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, तो आप भी इसको पराठे बनाकर बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तो यहाँ पर मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, आप जितना डाल सकते हैं स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से इस तरीके से रखकर छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से मैंने इसको रखकर छोड़ दिया है। तो देखिए पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है, थोड़ा सा कम हो गया है पहले से। तो इस तरीके से इसको चलाते चला देंगे। अब मैं इसमें और मसाले ऐड करूंगी अपने। तो यहाँ पर मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। यहीं पर मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, और यहीं पर मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा पाउडर। यहीं पर मैं डाल लूंगी इसमें गरम मसाला 1/2 चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पालक में सारे मसालों को। आप इस तरीके से पराठे बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप डायरेक्ट पालक को बिना भुने ऐसे ही पीस लेंगे तो उसमें वो स्वाद नहीं आएगा पराठों में, जो कि ऐसे आता है भुनने के बाद, इसको पीसने के बाद बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मेरा अच्छे से वो हो गया है, गल गया है पालक। तो यहाँ पर मैं अब डाल दूंगी इसे मिक्सर ग्राइंडर में और इसे पीस लेंगे। तो हल्का ठंडा हो जाने देना है, हल्का ठंडा होने के बाद ही हमें पीसना है। तो हल्का सा ठंडा हो गया है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से धनिया पत्ते। यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया पत्ते डाल दिया है, और देखिए हमारा पालक का पेस्ट बनकर तैयार है। तो इस तरीके से ये बन चुका है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा। तो यहाँ पर मैंने 3 कप आटा लिया है। तो आटे में अब मैं डाल दूंगी बेसन। तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। अगर आप किसी भी पराठे को बना रहे हैं तो बेसन ज़रूर डालिए, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनते हैं। तो ये टिप्स है मेरी तरफ से कि आप अगर कोई सा भी पराठा बना रहे हैं सॉफ्ट, तो आप उसमें बेसन ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया अजवाइन 1/2 चम्मच, जिसको मैंने हाथ से क्रश करके इस तरीके से डाल दिया है आटे में। और यहीं पर मैं डाल दूंगी जो मैंने पालक का पेस्ट पीसा था ना, तैयार किया था, अब मैं उसको ऐड कर दूंगी इसमें। तो हम पालक के पेस्ट को पूरा इसमें डाल देंगे आटे में। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथों से मिक्स करेंगे आटे को पालक में, पालक आटे को आपस में मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से मैं पानी नहीं डालूंगी, पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने पालक और आटे को। तो अब यहाँ पर मैं डालूंगी पानी। तो पानी भी मैंने उसी जार में ले लिया था जिसमें मैंने ग्राइंड किया था पालक को, उसी में मैंने ले लिया है। उससे क्या है, जितना भी पालक उसमें है वो भी हम पानी के थ्रू इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हम आटे को गूंद लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरा आटा बिल्कुल तैयार है। आपको आटे को बिल्कुल ना तो ज़्यादा सॉफ्ट करना है ना ज़्यादा हार्ड करना है, नॉर्मली आपको आटे को गूंदना है, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो यहाँ पर मेरा आटा बिल्कुल तैयार है। और तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हल्के से हाथों से मल लेंगे। उससे क्या है, पराठे एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और बिल्कुल आटा भी बिल्कुल हमारा जो ऊपर पपड़ी जम जाती है ना वो नहीं जमेगी। तो आप हल्का सा तेल लगा के, हमने इसको अच्छे से गूंथ लिया है।
अब हमारे आटे को हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तो कम से कम 15 मिनट, 10-15 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ दें। जैसे 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं जो है इसके पराठे बनाऊंगी। तो यहाँ पर अब मैं जो है इसमें से एक लोई तोड़ लूंगी पराठे के लिए। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मोटा पतला पराठा जैसा आप खाना पसंद करें। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल पराठा बनाऊंगी, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। तो इसको मैंने आटे में अच्छे तरीके से लगा लिया है, इसमें सूखा आटा। अब हम इसको बेलने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अब इस पराठे को बेल लूंगी। इस तरीके से हमें इसको बेल लेना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल पराठा नहीं बना रही, यहाँ पर मैं तिकोना पराठा बना रही हूँ। अगर आप इस तरीके से कोई सा पराठा बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं थ्री लेयर वाला, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है घी लगाने की वजह से, और बहुत ही उसमें उसकी वजह से अलग 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 पपड़ी आती हैं, 3 लेयर होती हैं, उससे वो खाने में और स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर मैं 3 लेयर वाला पराठा बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने लगा लिया हल्का सा घी, तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, वो इसको लगा लिया है। और इस तरीके से हम देसी लगा के इसको एक तरफ फोल्ड कर लेंगे, और फिर दोबारा इसके ऊपर देसी लगा के इसको इधर साइड फोल्ड कर देंगे। और इस तरीके से हम हाथ से इसको हल्का सा प्रेस करके, और इसमें हल्का सा हम सूखा आटा लगा लेंगे, और फिर इसको हम बेलेंगे। तो मैं इसको इस तरीके से बेल लूंगी, मैं ऐसे घुमाते हुए तीनों तरफ से इसको बेल लेना है। तो आप ऐसे पराठा बेलना है कि ना ज़्यादा मोटी हो किनारी और ना ज़्यादा इसकी बिल्कुल पतली ना, तो आपको साइड में बेलन मारते हुए इसको इस तरीके से तीनों साइड से बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन, तो जो कि गर्म हो गया है। तो अब मैं इस पर अपना पराठा डाल दूंगी, और जैसे ही पराठा हमारा एक साइड से सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। तो हल्का सा इसमें कलर आ गया है तो उधर से, तो हम इसको अब पलट देंगे। हमें अब दूसरे साइड से भी इसको हल्का सेक लेना है, ज़्यादा नहीं सेकना, आपको हल्का हल्का सा ही दोनों साइड से सेकना है। और अब मैं लगाऊंगी इसमें घी। तो यहाँ पर मैं देसी घी लगा रही हूँ, तो पलट के एक बार हम पलट देंगे, उसके बाद हम देसी घी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं देसी घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो आप कोई सा भी जो भी ऑयल लगाते हो पराठे में वो लगा सकते हैं, मगर आप देसी घी के पराठे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और आपकी मर्जी है कि आप कौन सा तेल लगाना चाहते हैं या घी लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड घी लगा के इसको अच्छे से सेक लूँगी, दोनों तरफ से हल्का हल्का गोल्डन होने देंगे, तब तक हमें इसे सेकना है। प्रेस करते हुए हमें दोनों तीनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेना है। और यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म पराठा बनकर बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो आप इसको किसी भी सब्जी के साथ, चटनी के साथ, या किसी अचार के साथ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, सब्जी के साथ, अचार, चटनी के साथ भी ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। सुबह के नाश्ते में आप इस पराठे को बनाकर ज़रूर खाएं। और अगर आप आलू मटर की सब्जी के साथ इसको खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका कॉम्बिनेशन आलू मटर की सब्जी के साथ, तो उसके साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है, और यहाँ पर मैंने इसको चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाय भी साथ में ले सकते हैं, चटनी, चाय और पराठा, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये। तो यहाँ पर पराठा बन के देखिए, बिल्कुल लेयर अंदर से बिल्कुल इस तरीके से खुल जाएगा, और बहुत ही पतली लेयर बनती है, तो इस तरीके से पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।